यही वो रोड है जहाँ पर इस एरिया में भी हम लोग गए हुए थे, ठीक है। ये वो एरिया था जहाँ भी हम अंदर घूम रहे थे। ये रोड सीधा जो है ना वो तारिक मदीना पे निकलता है सीधा। ये जो गली है ये सीधा जाती है पाकिस्तान कौंसलेट, आगे वाली गली भी है वो भी जाती है पाकिस्तान कौंसलेट, और अभी यही सिर्फ गलियां खुली हुई हैं। और ये देखें सीधा जो है ना ये रास्ता तारिक मदीना की तरफ जाता है। ये मेरे ख्याल से अनाकिश का एरिया कहलाता है। क्योंकि ये एरिया बहुत पुराना हो गया जिस वजह से ये तोड़ा जा रहा है। ये मैप ऐसा है जब आप इसको ऊपर से देखेंगे ना गूगल मैप से तो ये बिल्कुल जो है ना ये खिचड़ी बना हुआ होता है। ये जो है ना ये वाला एरिया भी बड़ा यादगार है कुछ लोगों का। ये एक पार्क की तरह कहलाता है, मतलब पार्क तो नहीं कहेंगे इसको लेकिन है पार्क ही बना हुआ। ये देखें यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये है पार्क। थोड़ा सा मेंटेन हुआ था ये बीच में लेकिन जो है ना फिर दोबारा। ये देखें इस पार्क से भी बहुत से लोगों की जो है ना वो यादें वाबस्ता हैं ये वाली, ये वाले पार्क से। ये देखिए सब टूट जाएगा। ये रहा वो पार्क। काफ़ी एरिया जो है ना अभी बंद हुआ है, हमें काफ़ी काफ़ी जगहों से इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। जितना हो रहा है उतना जो है ना कवर कर लेते हैं एरिया, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता वीडियो बनाने का। ये देखिए सब बंद है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता बाहर निकलने से बाहर निकल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, काफ़ी तो बंद ही कर दिए। ये देखें सब बंद हो चुका है ऑलरेडी। अब ये जिस जिसके घर होंगे ना ये वीडियो अगर वो देखे तो उसे पता चल जाए कि ये मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है। सब टूट जाएगा। ये देखें बिल्डिंग कितनी अच्छी नई बनी हुई है, सब ख़त्म सब ख़त्म। सारा एक तरीके से जो है ना वो पुराना एरिया है। ये देखें ये भी सब खत्म। अब यहाँ से हम वापस घुमा लेते हैं गाड़ी। उन्होंने मुझे एरिया दिखाना था, ये इस साइड वाला, इस साइड वाला जो कि बंद कर दिया है ना, असल वो दिखाना था एरिया, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा पुराना है। यहाँ तो फिर भी नई बिल्डिंग है लेकिन टूटेगा आई थिंक ये भी सारा, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यहाँ से ना ये एरिया दिखाना था, यहाँ सारी तकरीबन पुरानी बिल्डिंग्स है जैसा वीडियो में दिख रहा होगा ना, ये सारी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे ये रहेंगे सारा सब बंद है। फिर से वही ये पार्क वाली साइड आ गई। अब ये जो अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कैसे निकलेंगी ये बाद में निकलेंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो बंद हो गया सारा। ये निकलेंगी कैसे ये नहीं पता, इन्होंने तो यहाँ सारा बंद कर दिया। ये है जी ओल्ड अनाकिश, ओल्ड अनाकिश, अनाकिश नहीं बल्कि मुशरफा अनाकिश आई थिंक उस तरफ वाला है। वहाँ पर भी शायद मैं जाऊँ देखूँगा कि वहाँ पर गाड़ी तो अब जाने की जगह नहीं है, तो किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से देखते हैं, अब आ ही गए तो यहाँ से नज़र मार लेते हैं, वरना ये एरिया बंद हुआ हुआ था। वहाँ मेन रोड से ये बंद है, अब हम लोग आए हैं पीछे से तो ये खुला हुआ मिला है। सारा ओल्ड एरिया
जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप लोग, ये गाड़ियाँ ये सामान उतारने के लिए आई हुई हैं, सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, ये सारा वही सामान है। ये भी बंद किया हुआ है, यहाँ से भी गली बंद है, ये सिर्फ एक ही गली खुली हुई थी सीधी जाने की। सामने ट्रक खड़ा हो गया, वो जा रहा है अब। अब ये पता नहीं किसका घर होगा, उसकी क्या यादें होंगी यहाँ पे। जाहिर है पुराने पुराना घर और पुरानी गलियां कौन भूलता है, कोई भी नहीं भूलता, सबका बचपन होता है। ये देखें, ये बिल्डिंग पता नहीं किसकी होगी, समझ रहे बात को। ये देखिए सारा वो गाड़ियां उन्होंने लगा ली है यहाँ पे। हम लोग वापस, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, चलें जी गली खुल गई है दोबारा से। ये जो ट्रक आए हुए देखें, सारा सामान जा रहा है सबका, लाइन से खड़े हुए सबका सामान लोड हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान भी हो गए हैं, ज़ाहिर है अचानक नोटिस मिल गया उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म। ये पूरा वही एरिया है, यहाँ से वहाँ से सब जगह जो है ना गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी में सामान की लोड हो रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से 28-29 तक ये रुक जाएगा। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 24 तारीख है, 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ। ये देखें, इधर भी हमारा दोस्त रहता था एक। इस गली की मैं बनाऊंगा वीडियो लाजमी। ये देखें सब टूट जाएगा। ये वीडियो लंबी बहुत बनेगी क्योंकि काफी बड़ा एरिया है ना, तो इसको कवर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो नहीं जा सकते, यहाँ से हमको वापस मोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ से अभी मैंने वापस टर्न कर ली है गाड़ी, क्योंकि आगे बंद है। और अभी मैं आपको जो गली दिखाऊंगा, ये गली भी बड़ी जो है ना, ये इस गली में बड़े पाकिस्तानी रहते थे। यहाँ से शुरू करता हूँ, आगे जाके टर्न लेके शुरू से शुरू करूँ, क्या पता किसकी बिल्डिंग उसके बीच में आ जाए। ये देख रहे हैं आप लोग, बंद है ये। अब यहाँ से हमने गाड़ी वापस घुमानी है। ये देखिए, ये वो बिल्डिंग, मुझसे बन सकेगी उतनी बना लूंगा वीडियो, जहां जहां तक जा सकते हैं। देखिए सब जगह जो है ना सामान, सब जगह ट्रक खड़े हुए, सब जगह अनलोडिंग हो रही है सामान की। ये हमारा पुराना एरिया है, ये देखिए भाई माशाल्लाह। इस बिल्डिंग से भी बहुत लोगों की जो है ना यादें वाबस्ते हैं, यहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो इसकी तो ज़रा सही से बना ली जाए वीडियो। ये है घर, वो ये मेन डोर उसका, ये भी टूट जाएगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर रह गए हैं, जो रह के गए हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें पूरा, ये यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी वाले खड़े होते थे, यहाँ से सब्ज़ी मैंने भी बहुत दफ़ा ली है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं लूँ लेफ़्ट तो वो बंद हुआ हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं। ये भी एरिया बंद हो गया है, ये तो मतलब बहुत ही बिजी एरिया था ना ये वाला, तो यहाँ भी बंद किया हुआ है। ये देखें, ये जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ना, ये सारी सब टूट जाएंगी। अच्छा, यहाँ से फिर भी थोड़ा अभी रोड चल रहा है भाई, बंद नहीं हुआ है बिल्कुल, यहाँ से खुला हुआ है। लेकिन हम घुमाते हैं, हमने अभी रोड पे नहीं जाना, हमने ये एरिया कवर करना है। चलें इस गली में चलते हैं, पतली सी गली है।
यहाँ भी मेरा एक दोस्त है, वो रहता था। ये देखें गलियाँ, देखें कितनी पतली पतली हैं। उसके अंदर से जा रहे हैं हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, उन लोगों के लिए जो बाद में ये देखें तो ज़रा उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। अभी तो इस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो बाद में देखेंगे ना, जब ये जगह नहीं रहेगी, बिल्कुल टूट चुकी होगी, तो इस वीडियो को पता चलेगा। तब ये वीडियो शायद मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, मैं भी ये सब देखूंगा तो मुझे याद आएगा। ये देखिए अब इतना मैं अंदर पैदल पैदल घूम के तो कवर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मौका है, टाइम है, तो जो इसको कवर कर लिया जाए, बाद में तो फिर चांस नहीं मिलने वाला। अभी तो इतना हम लोग घूम भी पा रहे हैं, आगे देखें, आगे सब बंद कर दिया जाएगा। ये देखें सब सब इमारत ख़त्म हो जाएगी इतनी बड़ी। ये है सारा असल में जो है ना, जो जो खिचड़ी बनी हुई है ना अंदर ऊपर मैप से, जब आप देखेंगे ना, असल में ये है वो एरिया जो है ना, बिल्कुल मतलब पुराने उस पर बना हुआ है, कच्चा, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, असल में ये है वो एरिया। ये देखें, समझ ही आ रहा होगा कौन सी नई है और कौन सी पुरानी है। देखें और ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो ही है। ये देखें बिल्डिंग, मेरा तो हाथ भी थक गया मोबाइल पकड़ के, ये लंबी वीडियो हो गई। ये देखिए ये सारा पुराना एरिया है। अब ये जिनके घर होंगे उन्हीं को पता होगा भाई। ये देखिए भाई काम चल रहा था गाड़ियों का, यहाँ पे तो गाड़ियाँ बन रही थी यहाँ पे। पता नहीं कौन काम करता हो इधर। ये देखिए सब खत्म। कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी नई नई हैं जो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये ज़्यादातर यहाँ पर जो यही लोग रहते थे, सोमाली या सूडानी और यमनी। ये देखें उनके लिए तो ये जो है ना उनका बचपन है पूरा यहाँ पर, उनके लिए तो ये जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है ना, उससे पूछें तो वो बताया आपको कि भाई उसके लिए कितनी जगह इम्पोर्टेंट थी। देखिए लोग सामान अपना लेके जा रहे हैं, कुछ हाथ में लेके जा रहे हैं, अब जो बैचलर्स रहते होंगे वो इस तरह से लेके जा रहे हैं सामान। काफ़ी लोग मुझे देख भी रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। पूरा जितना घूम सकता हूँ उतना घूमूंगा ना, किस बेशक ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो खैर तेईम पुरानी जगह है, सब पुराना बना हुआ था, ये तो जगह टूटनी थी। आगे तो समझ में भी नहीं आ रहा, रोड है भी जगह नहीं है। देखें कितना गंद वंद पड़ा हुआ है अब यहाँ पर। ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है इमारत, देख रहे हैं सब ले गए यहाँ से, ऑलरेडी ख़त्म, बाय बाय, गुड बाय। ये देख कहाँ घूम रहे हैं भाई। देखें सामने भी, देखें गली के अंदर, ये इसी तरीके की छोटी 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 गली। ये रोड तो बहुत ही बिजी था, मतलब ये जो रोड है ना, यहाँ पर जितनी भी शॉप्स है ना, ये बहुत बिजी रोड होता था। अभी देखें कोई भी नहीं है, सारी दुकानें ख़त्म, सब ख़त्म। ये बहुत बिजी रोड था ये वाला। ये रोड जो है ना, यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये बहुत ही बिजी रोड है ये। यहाँ पर तो हम लोग
जब भी आते थे ना यही जगह पे गाड़ी फंसती थी हमारी कि बस यहाँ पे रश मिलना ही मिलना है। ये भी गाड़ी आ रही है सामान लेने के लिए। ये तो वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा जाके। ये देखें ये भी वो रोड है, यहाँ से भी सब सामान सामान जो है ना निकल रहा है उठ रहा है। चलिए यहीं से चलते हैं, बाकी तो सब देख ही लिया अंदर का। खैर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा तो कवर नहीं कर पाएंगे। दोबारा वहीं आ गए, चलो ये वाली गली में चलते हैं अंदर, कच्ची गली में। कच्ची गलियां देखने का जो मज़ा है ना वो अपना ही है। ये देखें ये इस तरह की गलियां हैं सर अपने पास है ना पाकिस्तान में। असल में बेसिकली जो तोड़ने का मकसद है ना मेरे ख्याल से यही है, जो इस तरह की गलियां बनी हुई है ना छोटी छोटी और बिल्कुल कंजेस्टेड, सब पुराना है। ओह यहाँ तो भाई नदी नाले बह रहे हैं, घर से पानी बह रहा है, टंकी खोल के चले गए। वह भैया ये तो सब जो है ना घर खुले भी छोड़ के चले गए, सब तोड़ ताड़ के। देखें सामान भी बाहर पड़े हैं, गाड़ी पड़ी है बच्चे की। ये देखें वो देखें दुकान खुली हुई, अंदर सामान पूरा कचरा पड़ा हुआ है। चलें इस तरफ चलते हैं, आ ही गए हैं तो भाई कवर तो करें ना थोड़ा यार। दुकानें भी खाली हो रही हैं अभी क्योंकि ये 3-4 दिन है इनके पास, उसके बाद जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये बल्दिया का ट्रक आया हुआ है, बल्दिया जो यहाँ पे सफाई करती है। पता नहीं वीडियो में क्लियर आ रहा हो या ना आ रहा हो, धूप पड़ रही है लेकिन खैर मुझे अभी मोबाइल सही से नज़र नहीं आ पा रहा है क्योंकि धूप की वजह से। अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ हम लोग नहीं आए थे। तो रोड आ गया, बंद हो गया सब, यहीं से घुमा लेते हैं। यहाँ गली है या नहीं है, गली है लेकिन आगे रास्ता है नहीं है, पता नहीं। ये देखें ये एक होटल है बहुत बड़ा, सामने मेन रोड से दिखता है, मेन रोड से दिखता है ये। इधर एक तुर्की रेस्टोरेंट भी है, बंद है भाई ये तो, बैक हमें बैक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी गाड़ी है, सामने बंद है, यहाँ भी बंद है। भैया ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। ओए होए 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 कहाँ कहाँ जाके कवर कर रहा हूँ, देखें आप गाड़ी पूरा अनाकिश। यार ये अनाकिश है या मुशरफा है ये मुझे कोई बता देना कमेंट्स में, क्योंकि अनाकिश भी कहते हैं और मुशरफा शायद उस तरफ वाले को अनाकिश कहते हैं। मैं भी ये कॉन्सर्ट वाली साइड पर हूँ। ये देखें दुकान है, दुकानों के हाल देखें, दुकानों के हाल ख़त्म, सब ख़त्म। अंदर गलियाँ सब ख़त्म, सब बंद हो गई दुकानें। अलगामदी सेंटर फॉर फूड स्टफ, अलगामदी साहब भी चले गए। अच्छा यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखते हैं चलें थोड़ा सा, ये भी वही है एरिया खैर ऑलमोस्ट, लेकिन ये मैं थोड़ा सा और अंदर आ गया हूँ। ये जगह रह गई थी कवर करना, पतली गलियों में जा रहे हैं ना तो वो रोड कहाँ से कहाँ बंद हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा। ये देखें सारा बंद हो गया है, कब सब खाली, सब 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 खाली है, सब खाली है।
ये वही गली जो मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो ये गली से तो खैर बहुत ही लोगों की जो है ना वो यादें हैं। पता नहीं किसका यहाँ पे काम होगा, कौन यहाँ पे काम करता होगा, किसकी शॉप होगी, कौन यहाँ इर्द गिर्द रहता होगा। ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है, कम से कम मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ। आगे देखें बंद हुआ हुआ है रास्ता, तो यहीं से लेते हैं हम लोग राइट, और मेरे ख्याल से वहाँ से भी बंद किया हुआ है ये मस्जिद। लेकिन वो जगह मैं अभी उस साइड से मैंने वीडियो बनाई थी, वही वाला पार्क है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ये पार्क भी बहुत से लोगों के लिए जो है ना वो यादगार है, कितनों का बचपन यहाँ गुजरा होगा, तो उनके लिए तो ये देना है बहुत यादगार जगह थी। ये सब टूटने जा रहा है ये पार्किंग एरिया। अच्छा, इस गली में एक घर था जो मैं भी समझ लें आज से कोई 6-7 साल पहले कि मेरा इरादा हुआ था कि मैं यहाँ शिफ्ट होऊंगा। वो घर में देखता हूँ कि वो घर है या नहीं है, अगर मैं सही आया हूँ तो वो घर इसी गली में था, तो वो घर देखते हैं ताकि वो भी हमारी मेमोरी में रहे कि अच्छा हुआ था कि हम लोग यहाँ पे मूव नहीं हुए थे, वरना मूव होते तो फिर बहुत प्रॉब्लम बन जाती हमारे लिए। हम भी आज अभी घर ढूंढ रहे होते, लोग कितने परेशान हैं आज घर ढूँढ रहे। ये देखें, ये भी नई बिल्डिंग थी तकरीबन, हाँ ये रहो घर आ गया। तो चले वो घर दिखाता हूँ आप लोगों को, कहाँ मैं शिफ्ट होने लगा था, फिर बाद में एक डिसीजन लिया गया कि नहीं वहीं रहेंगे जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने बचा लिया, वरना हम भी आज परेशान हो रहे होते। ये वो बिल्डिंग है, ये लाइन से देख रहे हैं वाइट वाली लेफ्ट साइड वाली, ये वो सारी बिल्डिंग है, इसमें से ये बीच वाली जो है ना यहाँ मैं शिफ्ट होने वाला था। ये दिखाता हूँ आप लोगों को सही से, ये देखिए ये वो बिल्डिंग है, यहाँ मैं बीच में शिफ्ट होने वाला था, ऊपर वाला वो जो घर है ना यहाँ, ये घर मैं लेने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज जो है ना मैं भी परेशान घूम रहा होता। इस घर में लिफ्ट भी नहीं थी और फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन था घर अच्छा था, 2 कमरे वाला, 1 सहन था, घर अच्छा था ये, तो ये भी चला जाएगा। एक तरीके से हमारी ना होने वाली यादों में से एक ही, तो ये याद रहेगा जब तक वीडियो रहेगी, ये याद रहेगा कि भाई इस घर में हम आने वाले थे, तो चलो यार ये भी चला जाएगा। ये थी भाई उस घर की याद, वो अच्छा ही हुआ कि हमने वो घर जो है ना वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया, वरना बड़ी प्रॉब्लम बनती, क्योंकि वो घर भी हमारे लिए छोड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर हम भी बहुत टाइम से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो जैसे ये जगह है लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह वो जगह जो है ना हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो ये देखें, तो अच्छा ही हुआ अल्लाह की तरफ से जो है ना वो मैंने वो वहाँ से मूव नहीं किया, जिसकी वजह से आज सुकून में है, वरना तो आज जो लोग का हाल है, जो लोग जो है ना देख रहे हैं आप लोग कैसे पैकिंग चल रही है, कैसे पैकिंग हो रही है घर की, मुझे देख रहा है, पता नहीं कि वीडियो क्यों बना रहा है, डर गया कि हर जगह पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक चपली कावा वाला भी था, बहुत ही जबरदस्त चपली कावा बनाता है, दिखाता हूँ आपको। अब आई यहाँ तो वो जगह भी आ गई है चपली कावा वाली, वो चपली कबाब भी देता था और एक टिक्के वाला भी था, और वो टिक्के के साथ जो है ना थोड़ी सी ग्रेवी शरेबी डाल के और बड़े मज़े का जो है ना टिक्का बनाता था वो दिखाता हूँ मैं टिक्के वाला। ये रहा मताम कश्मीर, ये था वो चपली कबाब, नहीं मेरे ख्याल से यही था या दूसरा था, शायद ये नहीं था, नहीं ये वो नहीं था, मताम कश्मीर ये वाला नहीं था उसके बिल्कुल, क्योंकि साथ ही दोनों चपली का वाले भी थे और टिक्का वाला भी था। ये रहा आगे, चलें वो भी दिखाता हूँ, ये तो काफ़ी लोग जानते हैं पाकिस्तानी। गाड़ी फंस रही है थोड़ी सी, चलो
ये है तो भाई काफ़ी पाकिस्तानी 110% जानते होंगे ये जगह को। ये देखे यहीं से चपली कबाब मिलता था और यहीं से तिक्का मिलता था। ये जो बाहर अंगेठी रखी हुई है ना इसी पे ही वो तिक्का बनाता था। अंगेठी को ज़रा जूम कर लिया जाए आखिरी दफ़ा, ये अंगेठी पता नहीं कहाँ जाएगी अब। तो ये यहाँ से मिलता था तिक्का, और क्या तिक्का बनाता था वो। होए मुझे तो वो व्लॉग भी बनाना था इस तक तिक्के का, लेकिन जो है ना वो तिक्का ही गायब हो रहा है। ये है फरन पाकिस्तानी, और इधर से चपली कबाब मिलता था। ये बंद हो गया शायद, ये तो ऑलरेडी पहले ही बंद करके। यार बड़ी ज़बरदस्त जगह थी इधर जो है ना, वो सारे सब्ज़ी वाले खड़े होते थे लाइन से। सब्ज़ी वाले आपको यहाँ मिलते थे, ये बखाला था इसके सामने सब्जी वाले होते थे। ये गली में लाइन से यहाँ पे खड़े होते थे सारे सब्जी वाले लाइन से। अभी तो आज कबूतर बैठे हैं आराम से, वरना कबूतरों को मौका नहीं मिलता था यहाँ बैठने का। तो ये है भाई, साथ ही जो है ना वीडियो को ख़त्म करते हैं, इसी गली से निकलते हैं, क्योंकि ये गली में तो मेरा खुद का भी बहुत आना जाना था। तो यहाँ से तो मेरा बहुत गुजर हुआ है और मेरी भी बड़ी जाते हैं इस गली में, आना जाना यहाँ से बहुत रहा है। तो इसी गली से हम लोग बाहर निकलते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह, क्योंकि ये रास्ता भी खुला हुआ है, इतना ज़्यादा अंदर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से घूमते हैं और निकलते हैं। ये देख रहे हैं रास्ता कैसा कैसा बनाया हुआ है। जाओ पहले तुम निकल जाओ, सामान लोड हुआ है। ये वो पेट्रोल पम्प है, ये भी बहुत पुराना पेट्रोल पम्प है। जाते जाते पेट्रोल पम्प भी आ गया अभी बीच में। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं और चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई दूसरा एरिया मैं कवर कर सका तो वो करूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की और बहुत दूसरी तरह की और सारी वीडियो जो है ना वो बहुत सारी बनेंगी इंशाल्लाह, जिसमें फूड व्लॉगिंग ट्रैवल सब चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर एक्सप्लोर कराऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।